मैं हूं आपकी फूडी फ्रेंड अंकिता। वेलकम टू हंग्री बर्ड बुलबुल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले टू गेट नोटिफिकेशन। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोरमा एक शाही मुगलई डिश है। आज मैं आपसे चिकन कोरमा की एक आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है, जिसमें मैं 1 कप फ्रेश दही को अच्छे तरीके से फेंट कर मिलाऊंगी। किसी भी रेसिपी में दही का इस्तेमाल करने से पहले उसे फेंटना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज कुक करते टाइम ये फट सकता है। मैं 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/3 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसे चिकन को अच्छे तरीके से कोट कर दूंगी। मैंने इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है। मैं इसमें पहले हल्दी डालना भूल गई थी, तो अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इसे ढककर 1 घंटे तक मैरिनेट होने देंगे। ये 3 मीडियम साइज के प्याज है, जिन्हें मैंने बारीक काट कर इन्हें डीप फ्राई कर लिया है। इसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफर करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। कोरमा बनाने के लिए मैंने ये थिक बॉटम वाला बर्तन लिया है, जिसमें मैं लगभग 3-4 चम्मच तेल डालकर गरम कर रही हूँ। इसमें मैं 1 चम्मच जीरा और खड़े मसाले डालकर कुछ सेकंड तक फ्राई करूंगी, फिर इसमें मैरिनेटेड चिकन को ट्रांसफर कर दूंगी। फ्लेम पर चिकन को लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। इसमें लगभग 12-13 मिनट का टाइम लगेगा। बाद ही दही पकने लगेगा और वो तेल छोड़ने लगेगा। आप देख सकते हो कि इसमें से अब तेल छोड़ने लगा है और मसाला भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इसमें लगभग 10 से 12 मिनट टाइम लगा होगा। मैं इसे कुछ मिनट तक और फ्राई करूंगी और फिर इसमें पिसे हुए प्याज का पेस्ट मिलाऊंगी। प्याज का पेस्ट और 1 चम्मच गरम मसाला साथ में थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर रही हूँ।
इसमें मैंने फूड कलर भी यूज किया है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। इसके साथ ही मैं इसमें कुछ बूंदे केवड़ा जल का भी डाल रही हूँ, इससे आपको कोरमा का ऑथेंटिक स्मेल आएगा। केवड़ा जल हमेशा ड्रॉप्स में ही यूज करें, वरना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट हो जाएगा। इसे ढककर धीमे आंच पर थोड़ी देर तक पकने देंगे, जब तक कि चिकन पूरी तरीके से पक नहीं जाता। इसमें लगभग 5-6 मिनट लगेगा। ग्रेवी का थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मेरे लिए ये परफेक्ट है, तो मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूले, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।